अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द क्रिस्टल सिस्टम के एक इजी से टॉपिक को, जो कि अगर देखा जाए तो एक बहुत मुश्किल टॉपिक है। इसके जो याद करने पड़ती हैं एक्सिस एंगल्स वगैरह बहुत ज़्यादा मुश्किल से याद होती हैं कि कौन सी चीज़ किसके अनइक्वल थी, कौन सी चीज़ किसके इक्वल थी, ये याद करने में भाई बहुत टाइम लग जाता है। और इसी तरह से जब बात आए एम सी क्यू सॉल्व करने की, तो वो तो चीज़ें हो जाती हैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मुश्किल। और इसी तरह से अगर वो एम सी क्यूज़ एप्टीट्यूड के हों और आपके लिए डॉक्टर बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता हो, या फिर इंजीनियर बनना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता हो और वो क्वेश्चन हो जाए गलत, तो होता है बहुत ज़्यादा अफसोस। तो बताने का मकसद आपको ये है कि आज हम द क्रिस्टल सिस्टम को एक ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, और इस ट्रिक को देखने के बाद अब से आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि मेरा एक फेसबुक पर ग्रुप है जिसका नाम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग। अगर अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन कर लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर एम सी क्यूज डिस्कशन के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं द क्रिस्टल सिस्टम को। आपको मैं बताऊँ कि आपने एक डायलॉग याद रखना है जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ कि सीटी और मारी, तो बस इतना आपने ये याद रखना है और आपने समझो सॉल्व कर लिया पूरा का पूरा द क्रिस्टल सिस्टम। किस तरह से मैंने आपको क्या बताया, सी टी, तो पहले आएगी सी, फिर आएगी टी सी टी, ठीक है, फिर आएगी और, ओ आर एच, और इस तरह से याद करना है सी टी और, फिर मारी का एम, फिर टी का तो, ठीक है। क्या हो गया ये, सी टी और मारी तो, ये आपने डायलॉग याद रखना है। क्या है ये, सी टी और मारी तो, ठीक है, और ये आपका है क्रिस्टल सिस्टम। अब जो है क्या करना है, हमने आपको सबको जैसे कि मालूम है, मैं यहाँ पे पूरी ए बी सी जैसे लिखते हैं कि ए प्लस बी, वो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कैसे, कि ए जो होता है वो इक्वल होता है बी के, जो कि इक्वल होता है सी के। इस तरह से मैं ये पूरा लिख लेती हूँ। सो गाइज, मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। कैसे लिखा है, जैसे ए बी सी डी होती है ना, ए बी सी इक्वल है, ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, ठीक है, एंगल्स, और मैंने क्या है जो एक्सिस वगैरह होती हैं वो सब मैंने बना लिए हैं इस पर। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने दो पे क्या है जगह छोड़ दी है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं वो आपको याद रखनी है। किस तरह से याद रखनी है वो आपको मैं बताऊँगी। सो क्या करना है अब हमने, कि अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रिक है क्या। ट्रिक ये है कि पहला वाला जो है ना उसमें आपको सारी सिंपल रखनी है, सेकंड वाले में यहाँ एक लाइन डाल देनी है, थर्ड वाले में यहाँ दोनों पे एक लाइन डाल देनी है, ठीक है। उसके अलावा ये जो फर्स्ट वाली है ये आपने खाली रहने देनी है, सेकंड वाली की ये वाली अनइक्वल है, उसके अलावा इसकी ये दो अनइक्वल है। ट्राई क्लिनिक तो याद करने का आपको इतना ईजी तरीका बता देती हूँ कि इसकी जो सारी होती है ना ये सब ही अनइक्वल होती हैं, सबको कट कर दिया हमने, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे जो मेरे पास एंगल्स हैं ये तीन बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेंगे, जैसे हैं ये सिंपल ऐसे ही होंगे, कोई किसी के अनइक्वल नहीं होता, सब कुछ इक्वल होता है। बस अल्फ़ा बीटा और गामा, गामा और 90 के इक्वल नहीं होती, यहाँ अनइक्वल कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पे दो मैंने जैसा कि आपको कहा कि एक्सेप्शन हैं, वो कैसी एक्सेप्शन है, अल्फ़ा बीटा दोनों इक्वल होती हैं 90 के, लेकिन गामा जो होती है वो 120 के इक्वल होती है। इसके अलावा यहाँ पर अल्फ़ा और गामा जो है वो 90 के इक्वल होती हैं, और लेकिन जो बीटा होती है वो जो होती है 90 के अनइक्वल होती है। सो इतनी सी हमारे पास ये एक्सेप्शन थी जो कि आपको याद रखनी है, कि जो हमारे पास हेक्सागोनल है उसमें जो है अल्फ़ा और बीटा 90 के इक्वल हैं, लेकिन गामा के इक्वल जो है वो 120 के इक्वल है। और मोनोक्लिनिक में क्या है हमारे पास, मोनोक्लिनिक में जो है वो अल्फ़ा और गामा 90 के इक्वल हैं, लेकिन बीटा जो है वो 90 के इक्वल नहीं है। सिंपल इस तरह से आपने बनाना है कि ए प्लस बी, बी प्लस बी इज इक्वल, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। सो फर्स्ट वाला सही रहेगा, मतलब इसको कहीं भी आपने नहीं छेड़ना, सेकेंड वाले ने बी को अनइक्वल कर देना है सी के, ठीक है, और ये जो है दोनों अनइक्वल हैं, फिर ये एक किसी के भी इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हमने इक्वल वगैरह की साइन कुछ भी कट नहीं करनी, यहाँ पे एक कट किया, यहाँ दो कट किए, और ये हमने याद रखनी कि ट्राई क्लिनिक सारे अनइक्वल होते हैं और इसको तो हमने पहले ही कट कर देना है। ये तीनों बिल्कुल सही होते हैं, इनको कहीं से नहीं छेड़ना, हर चीज़ अल्फ़ा बीटा के इक्वल है, बीटा गामा के इक्वल है, गामा जो है वो 90 डिग्री।
ठीक है। उसके अलावा दो सिर्फ आपको इसमें, ये वाला आपने याद रखना है कि फोर्थ वाले में गामा कट कर देना है। दो एक्सेप्शन याद रखनी है कि बीटा जो है वो 90 के इक्वल है, गामा जो है वो 120 के इक्वल है, मींस अल्फा और बीटा 90 के इक्वल जैसे सब थे हैं, लेकिन गामा जो है वो 120 के इक्वल है। और मोनोक्लिनिक में अल्फा और बीटा जो है वो गामा के इक्वल, अल्फा और गामा जो है वो 90 के इक्वल तो हैं, लेकिन बीटा जो है वो अनइक्वल है 90 के। इतनी सी एक्सेप्शन याद रखनी है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।